इधर फोर्स लगी, इसकी इधर फोर्स लगी, अब ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब लेकिन अगर अब एक खेल खेला जाए, क्या खेल खेला जाए, अब अगर इसमें एक और चार्ज को इंड्यूस कर दिया जाए, लाया जाए, मान लो यहां पे मैंने एक और चार्ज लाया, क्यों एक और चार्ज लेके आ गया, अब कुछ तो गड़बड़ होगी, होगी कि नहीं होगी भाई? देखो ना यार, तुम इसने जितना धक्का ये इसको दे रहा है उतना धक्का ये इसको दे रहा है, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब आ गया कोई बंदा बीच में लड़ाई लगाने वाला, अब क्या होगा? अब तो कुछ पंगा होगा ना यार, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, कुछ तो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आएगी। अब क्वेश्चन ये पूछता है, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन जैसा जैसे मैं बनाऊंगा ना वैसा से तुम बना लेना, अभी नहीं लिखना जब मैं बोलूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वरना फिर समझ नहीं आएगा। देखो तीन चीजें हो सकती हैं, तीन तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला पूछता है, ये थ्री चार्ज प्रॉब्लम है, मतलब तुम हेडिंग ऐसे अपने ही है लिख सकते हो कि भाई थ्री चार्ज प्रॉब्लम है ये और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ऐसे बोलो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इस तरह से अगर क्वेश्चन आए, तीन चार्ज दिए हो, दो चार्ज और सेंटर में तीसरा चार्ज, जरूरी नहीं है ये सेंटर में हो, ये फिर कहीं भी हो सकता है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। ऐसे समझो कि तीन चार्ज दिए हो और फिर आपको ये पूछा हो, बताओ ये कब इक्विलिब्रियम में आएगा। तीन तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला वो पूछेगा कि ये चार्ज मैं कहां रखूं, ये चार्ज इस पूरी ये जो देखो लाइन ज्वाइनिंग है ना, ये लाइन ज्वाइन कर रही है इसको, चलो आगे तक भी ले सकते हैं, ये जो लाइन हमने ज्वाइन की, इस लाइन ज्वाइनिंग में ये चार्ज मैं कहां रखूं कि ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये भी पूरा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। वेयर शुड बी द, आप ऐसे कह सकते हो भाई ये चार्ज कहां रखूं, वेयर शुड बी थर्ड चार्ज में प्लेस्ड, चार्ज बी प्लेस्ड कहां रखें इसको, ठीक है, इस चार्ज को कहां रखें कि एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, टू अटेन कैसा इक्विलिब्रियम, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में बताऊंगा स्टेबल और अनस्टेबल में क्या फर्क होता है, सब दिखेंगे, ठीक है। इसको कहां रखें कि एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। चलो फिलहाल मैंने ना स्टेबल बोला ना अनस्टेबल बोला, वो लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। पहला आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको आ सकता है कि मैं दो चार्ज हैं, बीच में आप एक चार्ज रखे हो, आपको पोजीशन पूछेगा कि इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कोई दिया डिस्टेंस, चलो मान लो ए डिस्टेंस दिए, चलो कोई भी डिस्टेंस मान लो ए डिस्टेंस है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में ए डिस्टेंस था, अब तुमने एक तीसरा चार्ज रखा, इमेजिन करो थोड़ा सा, ठीक है, आपने तीसरा चार्ज रखा, अब कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी। अब एक ऐसी पोजीशन होती है, एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर यह चार्ज मैं रखूंगा ना, तो क्या होगा, तो ये कुछ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अगर देखो खुद सोचो, अगर बराबर बराबर चार्ज है, सारे ही बराबर है, तो इसको कहां रखोगे, सेंटर में रखोगे, साइड से बात है, सेंटर में रख दोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सी प्रॉब्लम अगर डिस्कस करें तो, यानी कि पहला क्वेश्चन आएगा, और अगर ये चार्ज अलग अलग हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, फिर कहां रखेंगे, फिर तो हमें निकालनी पड़ेगी वो पोजीशन। तो पहला क्वेश्चन आपको इस प्रॉब्लम में ये पूछा जा सकता है, वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, यानी कि हमें क्या पता करना है, हमें ना पोजीशन फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है, ये इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना चार्ज रखूं, पोजीशन तो बात चल गई, उसके बाद अगर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भैया यहां पे इस चार्ज की वैल्यू क्या है, 3 कूलम 4 कूलम 8 कूलम कितना चार्ज है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि यहां पे क्या पूछेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कौन से चार्ज को, वो जो सेंटर में रख रहे हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, बाकी ये तो पता होगा गिवन में दिया होगा, ठीक है जी, ऐसा पूछ सकते हैं। थर्ड आपको पूछा जा सकता है, यहां पे पूछा जा सकता है कि क्या कौन सा इक्विलिब्रियम है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अब दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल, ये समझेंगे स्टेबल क्या होता है अनस्टेबल क्या होता है। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना उसके तीन हिस्से हैं, तीन हिस्सों में से कोई भी हिस्सा आपको पूछा जा सकता है। पहला, आप ये तीसरा चार्ज कहां रखोगे कि इक्विलिब्रियम आ जाए। दूसरा, ये जो तुम चार्ज रखने वाले हो इसकी क्या क्वांटिटी होगी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और तीसरा, जिस जो तुम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हो कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इन दोनों में से वो कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है। इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और फिर तीनों ही चीजें फाइंड कर लेंगे उस एक प्रॉब्लम में, फिर एक और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसका सिनेरियो चेंज करके, पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज करके, फिर देखेंगे क्या आंसर आता है। मान लो थोड़ा सा इजी करते हैं उसको, एक चार्ज ये मान लो 4 ही है, इजी रखते हैं थोड़ा सा, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दो चार्ज हैं, ठीक है, अंग्रेजी तुम खुद बना लेना इसकी, देर आर टू चार्ज 4e एंड ई सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस रखेंगे, आर रखो, ए रखो, बी रखो, डी रखो, जो रखो, ए रखा, ठीक है। अब इसके बीच में एक और चार्ज है, क्यू रखो, चलो
क्यू चार्ज है। अब इसको मैंने कहीं सेंटर में कहीं भी रखा मैंने, ठीक है। तो अब आपने क्या देखना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, क्या ये इक्विलिब्रियम में आएगा। पहले तो पोजीशन ढूंढेंगे कि इस ए यहां से यहां तक के डिस्टेंस में कहां पे इक्विलिब्रियम में आएगा। पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, पोजीशन। फिर हम देखेंगे ये जो क्यू लिखा मैंने, लेकिन इसका भी तो कोई क्वांटिटी होगी, है ना। क्यू कितना कूलम्ब है, यहां अगर ऐसे 4e लिखा है, e लिखा, तो इसके हिसाब से ये कितना है वो नहीं पता। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम तो आया, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा था, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था या फिर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब एक बात सुनो, देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि चलो आपके पास दो चार्ज है, आपने उन दो चार्ज के लाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग में कहीं चार्ज रखना है, तो आप इधर भी रख सकते हो, चलो इधर भी रख सकते हैं, इधर कहीं भी रख सकते हैं इसको, इसी एक लाइन में, मतलब ये जो लाइन आगे जा रही है ना, कहीं हो सकता है इधर भी रखने की बारी आ जाए स्टेबल करने के लिए। इधर भी रख सकते थे, कहीं भी रख सकते थे इसको, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहां रखा। कारण, इसको मैंने देखो, मैं इसको इक्विलिब्रियम में लाने वाला हूं, लेकिन तुमको गुरुजी पहले ही अपने इसके पास क्यों रख दिया, सेंटर में रखते फिर बाद में पता चलता कहां है कहां नहीं। मैंने इसको इस छोटे के पास क्यों रखा, हाँ क्योंकि हमें पता है, हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, k q स्क्वायर बाय r, अगर सेम है तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब देखो ये बेचारा पहले ही कमजोर है, ये अकेला e है, ये 4e है, तो ये तो पहले ही बेचारा कमजोर है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम आने के लिए करना क्या, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको धक्का दे रहा होगा। देखो चलो मान लो पहले यहां कहीं यहां रखा, चलो ऐसे रखो इधर ही, अगर ये इसको फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इसको फोर्स लगा रहा होगा, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है। अगर मैं इसको यहां रखता तो क्या होता, क्या इक्विलिब्रियम आ सकता था यहां पे, क्यों नहीं आ सकता था, सुनो क्यों नहीं आ सकता था। यहां पर अगर मैं इसको रखता, सपोज करो मैं इसको यहां रखता, देखो सिर्फ फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल निकालना ही खत्म नहीं होता क्वेश्चन, फिर जो अगला खुद से करना होगा वो कैसे करोगे, तो कॉन्सेप्ट समझना। देखो यहां पे रखूंगा तो क्या दिक्कत क्या है, ये इसके बीच का डिस्टेंस कम, ठीक है जी, डिस्टेंस कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये फोर्स ज्यादा होगी, ये ज्यादा जोर से धक्का देगा, ये बेचारा है ही, इसका मैग्नीट्यूड भी कम, ऊपर से डिस्टेंस भी बढ़ा दिया, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो मतलब धक्का बराबर नहीं लगेगा। इसीलिए जो स्मॉल चार्ज होगा ना, ऐसे हिंट भी ट्रिक भी याद रख सकते हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको वो पूछे कि भाई दो चार्ज के बीच में एक चार्ज रखना है, बताओ ये कहां ऐसे रखेंगे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल भी हो सकता है, मतलब इक्विलिब्रियम होगा, तो आप याद रखना उस चार्ज को कहां रखते हैं, जो छोटा चार्ज होगा, इन दोनों से छोटा कौन, ये है ना छोटा, तो ये इक्विलिब्रियम कहां अटेन होगा आगे जाके पता चलेगा हमें, वैल्यू ऐसी आएगी, जो स्मॉल चार्ज होगा ना उस वाली साइड इसको रखना है, जो स्मॉल चार्ज होगा उस वाली साइड हमें इसको रखना है, समझ आया। एक चीज तो ये आ गई, अब देखो ये पूरा डिस्टेंस अगर a है, चलो इसको मान लो अगर मैं x मान लो, तो ये कितना होगा, a माइनस x होगा, ठीक है। अब ये चीज आ गई, समझ आया यहां तक। अच्छा अगर नेगेटिव रखते तो ये, चलो ये नेगेटिव वाला तुम कर रहा, लेकिन सेम ही आता, ये इसको अट्रैक्ट करता, ये इसको अट्रैक्ट करता, एक बाजू इधर से ये खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, फिर भी तो सेंटर में रहता। अब इसके इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये बंदा यहां है, ये इसको धक्का दे रहा है, तू उधर जा, वो भी कह रहा है तू इधर जा, बराबर ही धक्का दे रहे हैं, तो ये फिर भी कहीं नहीं जा पा रहा, समझ आ रही बात। देखो ना अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, दो पॉजिटिव के बीच अगर नेगेटिव होता, एक बाजू इसको खींच रहा होता, ये इसको खींच रहा होता, तो बराबर धक्का लग रहा है, तो कहीं नहीं हिलता। अब मैंने तीनों पॉजिटिव रखे हैं, बीच में पॉजिटिव रखा है, तो तब भी क्या हो रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, आ जाके फिर बात वही है, बराबर ही, अगर ये बराबर फोर्स लग रही है तो फिर आ जाके बंदा उधर ही जहां है, ठीक है ना। तो इसलिए या चाहे यहां पॉजिटिव रखो, चाहे फिर आप यहां पर नेगेटिव रखोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ फर्क तब पड़ेगा जब इनका साइन बदलेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में फिर तुम चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। और इक्विलिब्रियम अटेन कहां होगा, पहले से थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना, उस साइड होगा जहां पे स्मॉलर चार्ज होगा, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आपको पता है इस तरह की प्रॉब्लम में तीन चीजें फाइंड करने को बोली जा सकती है, पहला पोजिशन क्या है, कहां पे होगा ये इक्विलिब्रियम, सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड क्या है, थर्ड कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो एक काम करें, पहली चीज क्या फाइंड करनी है हमने, पोजीशन फाइंड करनी है, करें पोजीशन फाइंड। देखो पोजीशन फाइंड करने के लिए ना, आप मुझे बताओ कैसे पता चलेगा, अगर यही अगर इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है तो नेट फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ना ये यहां भाग रहा है ना ये यहां भाग रहा है, इस जगह पे बराबर फोर्स है, यानी कि जितना धक्का ये इसको यहां लगा रहा है ना उतना ही धक्का ये इसको लगा रहा है। कौन सा धक्का ये भाई, कूलम फोर्स है ना, जितनी कूलम फोर्स रिपल्शन वाली इसको 4e वाला चार्ज लगा रहा है उतनी ही e वाला भी लगा रहा है, यानी कि नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, जीरो। यानी कि तुम ये भी कह सकते हो
दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, यानी कि पहली फोर्स किसके बराबर होगी बताओ। चलो F1 = F2 लिख दूं समझने के लिए, तो ये चलो ये F1 है और ये F2 है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए ना। जहां पर नहीं समझ आएगा ना बता देना मेरे को, यहां तक समझ आ रही है ना बात। यार बराबर धक्का लग रहा है ना, जितना ये उतना ये, तो दोनों फोर्सेस बराबर ही होनी चाहिए ना। तो F1 = F2, व्हाट शुड बी F1? F1 किसके बराबर होना चाहिए बताओ? के, व्हाट इज Q1? मान लो Q2 कितना है? 4e डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है इसके और इसके बीच में? a - x का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ F2 यहां पे बताओ क्या आएगा? KQE डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक समझ आ रहा है ना। अब कुछ करता है, इसकी मुंडी कट गई, इसका पेट फट गया, इसकी बाजू कट गई। अब बताओ 4 डिवाइड बाय a - x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, यहां पे क्या बचा? 1/x स्क्वायर, रूट लगा दो उसको, क्या बचेगा फिर? 2/a - x, यहां क्या आएगा? 1/x, करें सॉल्व, क्या आएगा? 2xa - x 2 - इसको यहां ले जाएंगे ना, प्लस आ जाएगा a, और यहां आएगा 3x = a, x शुड बी इक्वल टू a/3। अब पता चला ये चार्ज कहां रखेंगे? a/3 वाले डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है ना। अगर ये टोटल ए 10 होता, 10 सेंटीमीटर होता, तो ये फिर कितना होता? 3.3 समथिंग है ना, हाँ 3.4 समथिंग है ना, अभी तो बताया इक्विलिब्रियम है ना, ये बोल रहा है वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि हाँ ये चार्ज इक्विलिब्रियम होगा, बताओ कहाँ होगा, क्वेश्चन तो यही बोला उसने कहाँ होगा, तो बता रहे इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर फोर्स, वही तो किया हमने, फोर्स को बराबर किया, फोर्स को बराबर किया, निकल गई पोजिशन, यहां तक समझ आया। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड कैसे पता करें, ये तो आधा ही काम हुआ, क्वेश्चन जरूर थोड़े पोजीशन वाले पूछेगा अगला, हो सकता है वो अभय देओल की तरह चलाक हो, उसको पता हो बच्चों ने यहां तक तो पढ़ा ही होता है, चलो जी मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, बच्चों को पूछते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका। तो अभय देओल जी क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, क्या करेंगे निकालने के लिए ना, एक सोचो ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक ये देखो मैग्नीट्यूड निकालने का ना, आपने क्या किया इस जगह पे, इस ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बोला बराबर है, देखो यार है तो ये इक्विलिब्रियम है भाई, ठीक है जितना धक्का ये इसको लगा रहा है उतना धक्का ये इसको लगा रहा है, लेकिन जितना धक्का ये इसको भी लगा रहा है वो ही तो बराबर है, मतलब जितनी फोर्सेस इसमें एक दूसरे की तरफ लग रही है ना सबकी सब बराबर होनी चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये थोड़ी है कि सिर्फ ये इसको जितना फोर्स से अगर नेगेटिव रखो तो खींच रहा है, तो ये इसको इतना खींच रहा है, ये तो ठीक है जी इसने बराबर बराबर खींचा, ये इसको भी तो पुश कर रहा होगा, ये इसको भी तो पुश कर रहा होगा, वो भी तो बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहा सब पूरा सिस्टम, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब याद रखना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक समझ लो कि आपको क्या करना होता है। अब आपने इसके और इसके बीच में फोर्स, इसके और इसके बीच में फोर्स, और इसके और इसके बीच में फोर्स निकालनी, किसी के बीच में निकालो, तीन लग रही है ना, देखो ये समझ आया, फिर से सुनो, 4e और क्यू के बीच में फोर्स, क्यू के बीच में और ई के बीच में फोर्स, 4e और ई के बीच में फोर्स, तीन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुमको क्या करना है, एक 4e और q वाली निकाल लो, या जरूरी नहीं है 4e वाली की, जो आसान लगता है, आसान मतलब जैसे यहां a - x है, यहां पे x है, तो आसान कौन, तो तुम क्या करो q और e के बीच में फोर्स निकालो, दूसरी जो पहले वाली थी 4e और q के बीच में निकाल लो, फिर हमारे पास आंसर आएगा, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कर लो ये इसको निकाल लें, क्या आएगा, के क्यू ई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और इसके और इसके बीच में निकालो 4e * e डिवाइड बाय हाँ k भी होगा और a स्क्वायर, ठीक है करें इसको सॉल्व, किसकी मुंडी कटी, ये की कट गई, और ये भी क्या बेचारा, और हाँ मित्रों समझ गए आप, अब बताओ क्या है, q/x² = 4e / a² आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब क्यू के बारे में बात करनी है, तो मैं क्यू यहां रखू 4e / a² * x² व्हाट शुड बी द एक्स, 4e a² a² / 9, तो अब हमारे को मिला क्यू, कितना मिला q = 4/9e, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मिल गया क्यू, तो यानी कि मैग्नीट्यूड भी हमें मिल गया, मिला मित्रों, मिला कि नहीं मिला। अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम कौन से टाइप का है, ये स्टेबल कि अनस्टेबल बताओ, सर पहले समझा तो दो, कैसे बताओ,
है ना। देखो दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल में क्या दिक्कत है ना, देखो इसके केस में समझते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ऐसे रखा, 4e और e दोनों पॉजिटिव है, कर्नाटका केरला, ठीक है। सो उसमें बड़े दूर बैठे बेचारे, समझ आ रहा है, 4e और e, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सेंटर में पॉजिटिव। अच्छा सोचो इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, अगर इसको थोड़ा सा कोई शरारती तत्व आके कहे इसको मैं थोड़ा सा हिला दूंगा, शरारती बच्चे होते हैं ना, इक्विलिब्रियम में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं उंगली कर नहीं है, इसको कहेंगे नहीं सर आप कर रहे हो, मैं इसको हिला के जाऊंगा। अब इसको ये हिलाएगा, कोई दुष्ट प्राणी आके इसको हिला के जाएगा, अब इसको हिलाएगा तो क्या होगा बताओ, बोलो यार ये तो रिपेल ही कर रहा है, ये कह रहा तू जा 4e के पास, बोले तो मेरे पास क्या लेने रहा, चल भाग यहां से, ठीक है। अच्छा ये इसको यहां पे पुश करेगा तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये कहेगा चल भाग भाग, को फिर क्या होगा, ये वापस यहां पे आ जाएगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा बेचारे को, समझ रहे बात, इधर ही पॉजिटिव इधर ही पॉजिटिव। सेंटर वाला बेचारा क्या कर रहा है, कहता इसको धक्का दिया इधर, तो कहता चल भाग तुझे कौन बुला रहा है इधर चल, अच्छा ये इधर आया वापस, नहीं नहीं वापस उधर जा, तो बेचारा आ जाके ना थोड़ी देर ये ऐसे से सो वो आएगा SHM में, है ना, क्या होता है SHM, शुक्र आपने ये नहीं कहा शर्म में, है ना, शर्म और शर्मी बेचारी आ जाएगा अपनी जगह पे, सिंपल हारानी मोशन में आएगा, लेकिन आ जाके क्योंकि ना ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर, तो आ जाके बेचारा नहीं नहीं मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, है ना। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन मित्रों अगर ऐसा होता, इधर होता नेगेटिव इधर होता पॉजिटिव, और फिर अगर इसी तरह से हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं, निकल जाता है वो भी इक्विलिब्रियम, वो वाला केस भी डिस्कस कर लेंगे, फिर क्या होता, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सेंटर में पॉजिटिव रखा तुमने, कैसे भी करके तुमने इक्विलिब्रियम तो ले आए तुम, ठीक है तुम्हारा भी इस तरह से करके तुमने इक्विलिब्रियम पोजीशन ले आए। अब अगर तुम इसको मान लो ये पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव है, पहले से अट्रैक्ट कर ही रहा है, लेकिन फिर भी एक इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आया हमारा, अब तुम कोई शरारती तत्व आके इसको हिलाएगा तो भाई ये चाहता ही था इसके पास आए, और उसने उसकी हेल्प कर दी कि जा उसके पास, तो ये इसको थोड़ा धक्का देगा, ये कहेगा हाँ आ जा आ जा, है ना, तो ये कोलैप्स कर जाएगा पूरा सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम तो आया, लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये फर्क होता है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ इस केस में कैसा इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, क्या ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अगर हम इसको हिला भी देंगे इस पोजीशन से, ये जाएगा भी इस तरफ, लेकिन वहां से रिपल्शन ही मिलनी है, रिपल्शन मिलनी है तो वापस आएगा ही अपनी जगह पे। चलो पता ना तुम्हें, जब ऐसे करके कोई चीज गई तो अब क्योंकि मोमेंटम होता है वापस आएगा, तो धक्का देगा थोड़ा वापस इस तरफ भी आएगा वो, तो थोड़ा सा ये ऐसे करके एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा, और आफ्टर दैट क्योंकि ना इसने एक्सेप्ट किया ना इसने एक्सेप्ट किया, बेचारा फिर आ जाके जहां था वहीं पे, ठीक है ना।